तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको सामने नजर आएगा पौधा, छोटा सा जो प्लांट है, ये स्ट्रॉबेरी का है। तो हमने दूसरे खेत से स्ट्रॉबेरी की फसल उजाड़ दी थी, वहीं से लाकर ये पौधे हमने यहाँ पर रोपित कर दिए हैं। और अब इन पे फल नहीं लगेगा, लेकिन जो पुराना फल है वो तो पक जाएगा। ये देखिए, जो पुराना फल है ये पक जाएगा, लेकिन थोड़े ही समय बाद इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से निकलेगी नई पौध। क्यों डिड भाई? हाँ जी, इसमें से प्योर तैयार हो जाएगी, मतलब अगले साल सितंबर में लगने वाली है, सितंबर या अक्टूबर की सीजन के लिए इसमें से प्योर तैयार हो जाएगी। मतलब ये ऐसे ही खड़ा रहेगा, ये सूख भी जाएगा पर इसकी जड़ नहीं सूखेगी, तो सितंबर में अपना फूट कर जाएगा। तो जैसे पपीतों के बीच में जो गैप है, यहाँ पर हम इसको बोने वाले हैं। इससे ये है कि थोड़ी ठंड रहेगी, क्योंकि पत्ते इसके बड़े हो जाएंगे, अभी ठंडक रहेगी, ठंड रहेगी। ठंड में ये वैरायटी ठंड की है, जो स्ट्रॉबेरी है हमारी, ये ठंड की है। तो दोस्तों, जैसा कि हम अक्सर आपको बताते हैं कि आप ज्यादा कमाई कैसे कर सकते हैं ऐसी फसलों के बारे में हम आपको जानकारियां देते हैं। ये देखिए, सामने आपको नजर आ रहा है, शाम का समय है तो थोड़ा कम नजर आ रहा होगा आपको, लेकिन पपीते का बागान है, बीच में हमने ये पौध लगाई है और आगे आने वाले समय में हम यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की फसल बोने वाले हैं। तो टीटू भाई, आज क्या जानकारी आप किसान भाई को देने वाले हैं? किसान भाई को मैं यही जानकारी देना चाहूंगा कि पपीते में माइक्रोन्यूट्रिएंट की बहुत कमी आती है। किसान भाई सोचते हैं इसके पत्ते सिकुड़ गए, तो बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं कि हाँ भाई, टीटू भाई इसके बारे में कुछ बताएं। पत्ते सिकुड़ जो जाते हैं, पत्ते सिकुड़ जाते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है अंदर की तरफ हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, और उस पे धब्बे बन जाते हैं, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होती है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना है? उसके आप उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल सकते हैं, जिसमें जिंक, सल्फर, बोरान, सभी चीजों का मिश्रण आता है। आप दुकान पे जाके मांगेंगे तो मिल जाएगा माइक्रोन्यूट्रिएंट। और उसको 1 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के उसके साथ में आप होमिक एसिड और एनपीके भी डाल सकते हैं। एनपीके 19:19 ले सकते हैं, 52:34 ले सकते हैं। अच्छा, तो उनकी 1 ग्राम, सभी की मात्रा 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से रखनी है। और उसकी कम से कम 10 दिन में एक दो बार, मतलब 10 दिन के अंतराल पे उसकी स्प्रे करनी है, कम से कम 3 से 4 बार। अच्छा, तो अगर किसी के पौधे में गलन आ रही है, तो गलन के लिए अगर तना गलन है तो वो कार्बन नजिम, जहाँ पे तना गल रहा है, कार्बन नजिम का 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के वो तने पे जहाँ पे गल रहा है पौधा वहाँ पे डाल सकते हैं, इसे रुक जाएगा। अगर जड़ गलन आ रही है, अगर जड़ गलन आई है तो आप स्प्रे कर सकते हैं, या उसकी उसकी जड़ में घोल के कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, सीओसी बोलते हैं उसे, आप 1 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के उसकी स्प्रे कर सकते हैं जी। तो किसान कार्बन नजिम का घोल आप जड़ में भी गिर सकते हैं ऐसे सटा के, मैंने पहले वीडियो में बता भी रखा है, आप ऐसे सटा के उसमें वो भी डाल सकते हैं। देखो, कुछ वेरायटियां अब ऐसी भी आई हैं जिनमें रोग नहीं है, जो वायरस फ्री है, जैसे कौन सी, जैसे कि आइस बेरी है और ग्रीन बेरी है, मैक्सिकन 2 है, इनमें वायरस या बीमारियां नहीं है? बीमारियां बहुत कम है, मतलब ये कहने का है कि देखो, पपीते में हर चीज, हर बीमारी का इलाज है, पर वायरस का कोई इलाज नहीं है। अच्छा, वायरस कौन कौन से होते हैं पपीते की फसल में? जैसे आपका लीफ कंद हो गया और मोजेक। अच्छा, ये 2 तरह के आते हैं वायरस। इन वायरस के आने से पपीते की फसल में क्या नुकसान होता है? भाई यही है कि फल टेढ़ा मेढ़ा बनता है, पत्ते टेढ़ी मेढ़ी होती है, फल सही तरह का नहीं बन पाता है। अच्छा, कुछ एक में तो कटोरी नुमा हो जाते हैं पत्ते, और एक में टेढ़े मेढ़े पीले पीले से कलर के पत्ते हो जाते हैं, उसमें फल नहीं बनता, फल ऐसा ऐसा छोटा छोटा ही रह जाता है, बढ़ता नहीं है फल। तो ये वायरस होते हैं, ये वायरस होते हैं तो इनका कोई दवाइयां, कोई रोकथाम होती है इस तरह के वायरस की? रोकथाम अगर आप शुरू से ही खेत को खरपतवार मुक्त रखते हो, यही उसका एक बिल्कुल ये सबसे बढ़िया इलाज है, खेत को खरपतवार मुक्त। अगर कोई एक दो पौधे में दिखाई भी देता है तो देखो, वायरस जमीन के थ्रू, जड़ों के थ्रू फैलता है, आप उसमें गेंदा लगाएंगे तो उससे भी बहुत कम, जो नेमेटोड होती है एक बीमारी जिसमें पपीते में गांठें बन जाती है, तो नेमेटोड जो बीमारी होती है उसी से वायरस फैलता है जी। तो कुछ किसान ऐसे भी होंगे टीटू भाई, जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और पपीते की वीडियो के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, पपीते की फसलों के बारे में कोई डीप नॉलेज चाहते हैं, बहुत ही कम शब्दों में आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे कि पपीते की फसल कैसी है, कितना लाभ देती है? देखो, लाभकारी फसल है और फसलों से, क्योंकि इसमें अच्छी इनकम होती है, फिर आपकी नकदी फसल है। दूसरा ये है क्योंकि आप मंडी में लेके जाते हो और फसलों को, जैसे मान लिया गन्ना हो गया आपका, आप डाल देते हो तो 1 महीने बाद, 1 साल बाद या एक पेमेंट आता है, और ये आपकी नकदी फसल है, आप लेके जाओगे इसे मंडी तो आपको तुरंत के तुरंत आड़ती जो पेमेंट दे देते हैं। तो ये ऐसी फसल है दोस्तों कि जिससे आप... एक और फायदा है, जैसे कि मान लिया गया तोरी आपने बोली, आप ये 10 या 15 दिन खेत पे नहीं गए, अगर लगी हुई है तो वो तोरी खराब हो जाएगी या गया भी खराब हो जाएगा। हाँ। इसका ऐसा नहीं है,
मतलब सपोज करो आपका जो फल का साइज है वो बड़ा हो गया तो आप पका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कच्चे में बेक रहे हो, सब्जी में बेक रहे हो, तो आप उसे पका भी सकते हो। मतलब अगर आपको समय भी नहीं मिला तो भी इसमें नुकसान नहीं होता, नहीं होने का ऐसा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको जानकारी जो मिली आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। शाम काफी ढल चुकी है, देखिए आपको नजारा मैं दिखा देता हूँ, शाम हो चुकी है। तो कुछ जानकारी थी ये आज की वीडियो में जो हमने आपको दी, आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। और चंदा मामा भी जो है आसमान में आ चुके हैं। अगर पहली बार आज आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ। अपना प्यार दिखाने के लिए, देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।